हेलो दोस्तों, मोहिनी किचन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्नैक जो कि मैंने केले के छिलके से बनाया है। तो ज़रूर से आप इसे एक बार बना कर ट्राई करिएगा। इसके लिए मैंने ले लिया 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर और दोनों को अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम इसमें ले लेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन गुड़ा लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीबन गुड़ा हल्दी पाउडर। तो इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, हम इसे अच्छी तरह से घोल बना लेंगे। बिल्कुल एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इतनी अच्छी तरह से घोल बना ले। और देखिए मैं कितने अच्छी तरह से घोल बना लूँ। और ये देखिए, मैंने ले लिया केले का छिलका जिसे मैंने राउंड राउंड काट लिया था। तो केला तो हम लोग खा लेते हैं लेकिन उसका छिलका फेंक देते हैं, तो उसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके मैं पकौड़ा बना रही। देखिए मैंने कितने अच्छी तरह से काट लिया है और इसे पानी में भिगो कर रखे। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और मैं डाल दूंगी इसे केले के छिलके को इस बैटर के अंदर। और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। और इसमें आप अपनी कढ़ाई के अनुसार ही डालें। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप थोड़ा ज़्यादा करके डालें, वरना आप थोड़ा कम करके भी डाल सकते हैं। और इसे धीमी आँच पर पकने देंगे। ये 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स बनेगा जिसे आप बच्चे से लेकर बड़े सबको खाने के लिए दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब आप इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें आप। बच्चे लोग बाहर से स्नैक्स ला के खाते हैं, उससे ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। आप इसे बनाकर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या शाम को खाने के लिए भी दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरा कितना जल्दी पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आप लोगों ने देखा कितना टेस्टी स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है जो कि बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा। इसके ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा चाट पाउडर और इसके ऊपर आप चाहे तो हल्का सा डाल सकते हैं नमक। आज की रेसिपी यहीं पर ख़त्म होती है, मिलती है दूसरी रेसिपी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और लाइक।